शहरी सरकार के मतदान और परिणाम के बाद अब शहर के प्रथम नागरिक की दौड़ शुरू हो गई है। दौसा नगर परिषद में सभापति पद के लिए कांग्रेस की ममता चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि दौसा नगर परिषद में कांग्रेस ने 24 सीट जीतकर 11 निर्दलियों के समर्थन से बहुमत हासिल करने की दावेदारी पेश की है। वहीं भाजपा अभी भी कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। इसके चलते सभापति पद के लिए प्रत्याशी पर एक राय नहीं बन पा रही। कांग्रेस प्रत्याशी ममता चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सभापति बनने पर सभी पार्षदों को साथ लेकर दौसा शहर का विकास कराया जाएगा। उन्होंने आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने का वादा भी किया। सभी लोगों ने मेरे को कांग्रेस पार्टी में विश्वास दिलाया है, मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी, दौसा का विकास करूंगी और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी।